नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। शिक्षकों के नियोजन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एक बार चयन के बाद दूसरी बार काउंसलिंग में नहीं बैठ सकेंगे अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया शुरू है। इसके पहले फेज में काउंसलिंग पूरी हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों का प्रथम फेज में काउंसलिंग में चयन हो चुका है, उन्हें दूसरे फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी। छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा है कि काउंसलिंग के बाद जारी की गई चयन सूची की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे भी लिखा कि विशेष रूप से तीन बिंदुओं पर जांच चल रही है। पहला बिंदु यह है कि आरक्षण के नियम का पालन हुआ है या नहीं। दूसरा, मेघा अंक में हेर फेर से जुड़े मामलों हैं। और वही तीसरा जो मामला है उसमें है कि एक ही अभ्यर्थी के कई दूसरी नियोजन इकाइयों में नाम शामिल होने के मामले की भी जांच की जा रही है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि ऐसे मामलों की समीक्षा अपनी टीम के साथ DEO DPO कर रहे हैं और अनियमितता पाए जाने पर रद्द करते हुए संबंधित नियोजन इकाई पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने लिखा कि चयन सूची में नाम, पिता का नाम में टाइपिंग मिस्टेक है, उसको मिलान करके आवेदक को आधार पर सुधार करवा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन NIC पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कुछ जिले को छोड़कर सभी जिलों में अंतिम मेगा सूची को NIC पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ इकाइयों की काउंसलिंग बिना मेगा सूची की NIC पर अपलोड किया गया है, उनको तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कंट्रोल रूम प्रतिदिन कार्य कर रहा है, मिलने वाले कंप्लेन को प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है ताकि उसका उचित समाधान ससमय किया जा सके, कोई असहज स्थिति उत्पन्न ना हो। हर हाल में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है और एक भी गलत चयन ना हो सके, इसके लिए विभाग हमेशा अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी पड़ी है। शिक्षक नियोजन को लेकर हर बार कोई ना कोई अड़चन सामने आता है। कभी सरकार की तरफ से कोई बात कही जा रही थी तो कभी छात्रों की तरफ से अपनी बात रखी जा रही थी। ऐसे में अब यह पूरा मामला कोर्ट में लंबे समय तक चलता रहा। शुरुआत में तो STT को लेकर यह मामला कोर्ट में गया, उसके बाद दिव्यांगजनों के आरक्षण को लेकर यह मामला कोर्ट में लंबे समय तक अटका रहा। ऐसे में कोर्ट और सरकार की तरफ से लगातार सवाल जवाब होता रहा। बाद में जब सरकार ने STT पास सभी छात्रों को उम्र की बाध्यता से मुक्त कर दिया, इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी रास्ता साफ कर दिया, जिसमें दिव्यांगजनों को छठे चरण के शिक्षक बहाली में अलग से फॉर्म भरने की छूट दी गई। बिहार सरकार और पटना हाईकोर्ट की आपसी सहमति के बाद यह क्लियर हो पाया कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसमें यह कहा गया कि एक बार जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करा लेंगे, उनमें मेघा सूची में आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर दूसरी जगह वो काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये थी बिहार में छठे चरण में नियोजन प्रक्रिया को लेकर जानकारी, जिसमें यह कहा गया कि अगर आपका चयन किसी एक जगह हो जाता है तो आप दूसरी बार जब उसका दूसरा फेज जब शुरू होगा उसके नियोजन प्रक्रिया की, तो उसमें आप शामिल नहीं हो सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।